जो है अप्रेंटिस के बारे में बताएंगे, अर्थात जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे बैचलर ऑफ फार्मेसी या अदर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं, वो अपना एक साल का एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए कैसे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के पोर्टल पर अप्लाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम की साइट पर जाएंगे, NTS सर्च करना है। तो चलिए अब हम इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा, हमें क्या करना है, इसमें पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, लिखा है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, इस पर हमें क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा है न्यू यूजर, यहाँ आगे लिखा है रजिस्टर हियर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर देखिए लिखा है वेलकम टू दी NATS पोर्टल इनरोलमेंट प्रोसेस, प्लीज आंसर द बिलो क्वेश्चंस टू क्विकली चेक योर एलिजिबिलिटी। अर्थात NATS पोर्टल नामांकन प्रक्रिया में आपका स्वागत है, अपनी योग्यता की शीघ्रता से जांच करने के लिए कृपया नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। लिखा आई एम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे ए स्टूडेंट, ए परमानेंट रेसिडेंट आप, अर्थात आपका अस्थाई पता, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना राज्य को सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने राज्य सेलेक्ट कर लिया। I would like to enroll myself in the NATS portal, अर्थात मैं स्वयं को NATS portal में नामांकित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर लिखा I, यहाँ पे लिखेंगे have completed, फिर नीचे आएंगे, यहाँ लिखा my, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मा एंड अदर ग्रेजुएशन कोर्स, तो आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको जिस सन में क्वालिफाइड किए हैं ग्रेजुएशन उसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आना है, लिखा इन द ईयर थ्रो, फिर यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेगुलर या पार्ट टाइम या डिस्टेंस, तो आप जिस तरीके से किए हैं तो उसको क्लिक करना है। यहाँ पे हम रेगुलर सेलेक्ट करते हैं। हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट एज सैंडविच स्टूडेंट, अर्थात क्या आपने शिक्षुता कार्यक्रम के भाग के रूप में कोई पिछला प्रशिक्षण लिया है सैंडविच छात्र को छोड़ के, तो इस पर क्या करना है, नो। फिर देखिए नीचे लिखा डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस आप 1 ईयर आर मोर, क्या आपके पास एक वर्ष या उससे अधिक का कोई अनुभव कार्य अनुभव है, तो इस पर होगा तो एस, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। फिर देखिए नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है डियर स्टूडेंट प्लीज इंश्योर डेट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट रेडी फॉर इनरोलिंग इन द पोर्टल, अर्थात कृपया सुनिश्चित करें कि पोर्टल में नामांकन के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट तैयार रखे गए हैं। नीचे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल ID, मोबाइल नंबर जिस पे आपका OTP जाएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फिर नीचे देखिए लिखा है क्वालिफाइंग डिग्री हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो भी PDF साइज में, फिर नीचे फर्स्ट पेज आप बैंक पासबुक होना चाहिए, इसके बाद लिखा है, फिर नीचे आएंगे यहाँ पे लिखा है आई एव अबव डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्राइमरी ईमेल ID, यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID डालना है, इस पर एक OTP जाएगा उसको आपको फिल करना है। तो देखिए मैंने अपना ईमेल डाल दिया, अब इस पर सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है वन टाइम पासवर्ड, आपके ईमेल पे एक OTP आया उसी को यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए अब हम OTP को फिल करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दिया, फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालेंगे, इस पर भी एक इसी प्रकार एक OTP जाएगा और आपको OTP फिल करना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर फिल करते हैं इसमें। देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें फिल कर दिया, अब सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। वन टाइम पासवर्ड, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, आपको उसी OTP को फिल करना है। तो चलिए अब हम OTP को फिल करते हैं। नेम ऑफ द स्टूडेंट, अर्थात यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, अर्थात जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे नाम होगा उसी को लिखना है यहाँ पे। सेट अप ए पासवर्ड, आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड में एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल और एक कोई चिन्ह हो, एट द रेट हज डॉलर कुछ भी, उसके बाद अंक होने चाहिए, कुल मिला के मिनिमम 8 अक्षर के होने चाहिए। इसके बाद फिर नीचे लिखा है कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड में भी वही लिखेंगे जो सेटअप ए पासवर्ड में लिखे हैं। तो चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। देखिए हमने पासवर्ड को भी फिल कर लिया, अब नीचे आते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, तो हम सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं।
आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। देखिए अब हम सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने फिल कर लिया, सेकंड स्टेप में लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपलोड लिखा है, अपलोड वाले ऑप्शन पे हमें आपको अपना जो है फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आते हैं, फिर देखिए लिखा है नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, अर्थात जो आपने फर्स्ट स्टेप में फिल किया अपना नाम, और नाम ऑटोमेटिक आ जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फादर्स नेम, आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट में लिखा हो। फिर नेक्स्ट मदर्स नेम, अपने माता का नाम जो हाई स्कूल के मार्कशीट में हो। फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ, ये भी हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। फिर नीचे लिखा है आधार नंबर, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद नीचे आना है, फिर देखिए आपको इसमें जेंडर सेलेक्ट करना है। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करने के बाद लिखा है अपलोड आधार कार्ड, आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर लेंगे। फिर नीचे कम्युनिटी वाले ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन दिया रहता है, फिर आपको ऑप्शन च्वाइस करना है। फिर नीचे देखिए लिखा है माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप यदि हैं तो एस, नहीं है तो नो। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, फिर देखिए लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, यानी जो आपका सर्टिफिकेट बनना है 40% से अबव उसमें दर्शाया गया है, तो आप एस करेंगे, नहीं है तो नो। फिर नीचे देखिए लिखा है कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, इसमें पहले परमानेंट एड्रेस फिल करना है, आपको इसमें अपना पिन कोड फिल करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद आपको अपना तालुक ब्लॉक या तहसील, इसमें से एक ही ऑप्शन आपको फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे आते हैं, लिखा है विलेज आर लोकलिटी, आपको अपना यहाँ पे विलेज फिल करना है। फिर इसके नीचे लिखा है डोर एंड स्ट्रीट, इसको फिल करने के बाद लिखा है प्रेजेंट एड्रेस, यानी वर्तमान पता क्या है। फ़ोन नंबर एंड ईमेल, यदि सब सेम है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, यदि आपका सब एड्रेस जो ऊपर फिल किए हैं सेम है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक नीचे वाले फिल हो जाएंगे। फिर आप नीचे आएंगे, फिर देखिए लिखा है बैंक इन्फॉर्मेशन में, फर्स्ट ऑप्शन है बैंक नेम, आपको अपने बैंक का नाम लिखना है, अर्थात आपने खाता जिस बैंक में खुलवाया है उसका नाम। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ढेर सारे बैंक के नाम आ जाएंगे, आपको अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा है बैंक ब्रांच नेम, आपको अपने बैंक का ब्रांच नाम लिखना है। फिर नीचे ये जो कि आपके पासबुक में लिखा भी होता है, फिर नीचे आएंगे, लिखिए बैंक अकाउंट नंबर, इसमें आपको अपना खाता संख्या डालना है। फिर नीचे IFSC कोड भी फिल करना, फिल करने के बाद नीचे आते हैं, फिर लिखा है यहाँ पे अपलोड बैंक प्रूफ और डॉक्यूमेंट, अर्थात यहाँ पे आपको अपना पासबुक अपलोड करना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पासबुक अपलोड कर देंगे, लेकिन नीचे लिखा है फाइल आप टाइप PDF, यानी जो आप अपलोड करेंगे वो फाइल PDF में होनी चाहिए, और साइज के बारे में भी दिया है, साइज मैक्सिमम आप 1 MB कैन ओनली बी अपलोडेड। फिर नीचे लिखा है नोट अपलोड द फर्स्ट पेज ऑफ योर बैंक पासबुक और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आर क्रॉस चेक डेट हैज योर नेम अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, डू इंश्योर डेट दिस बैंक अकाउंट नंबर इज मैप्ड आर सीडेड विथ योर आधार। आपको जो है अपलोड बैंक प्रूफ और डॉक्यूमेंट में जो है अपने पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड करना है, या क्रॉस चेक जिस पर आपका नाम अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया है उसी को अपलोड करना है। फिर इसके बाद देखिए नीचे आएंगे, यहाँ लिखा है वी एश्योर यू डेट योर बैंक डिटेल्स विल नॉट बी शेयर्ड विथ एनीवन विदाउट योर कंसेंट, NATS टीम विल नेवर आस्क फॉर योर डेबिट कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन फोन कॉल और थ्रो एनी अदर मीडियम। In case you receive any such request, you are encouraged to report the matter to the nearest law enforcing officer. अर्थात हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सहमति के बिना आपका बैंक विवरण किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। NATS टीम कभी भी फोन कॉल पर या किसी अन्य माध्यम से आपके डेबिट कार्ड या बैंक खाते का विवरण नहीं मांगेगी। यदि आपको ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो आप अपने निकटतम कानून प्रवर्तन अधिकारी को मामले की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर नीचे देखिए लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, तो फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, फिर देखिए इसमें लिखा है एजुकेशनल डिटेल, आपको यहाँ पर अपना एजुकेशनल डिटेल फिल करना है। नीचे लिखा है टाइप ऑफ ग्रेजुएशन, अर्थात ग्रेजुएशन के प्रकार, ग्रेजुएशन आफ्टर 10+2 और ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, अर्थात आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो 12वीं के बाद किया है या डिप्लोमा के बाद किया है, तो आप इसमें से आप अपना चॉइस करेंगे। चॉइस करने के बाद फिर नीचे आएंगे, लिखा स्टेट इन विच द यूनिवर्सिटी बिलोंग्स, अर्थात आपने जिस यूनिवर्सिटी से किया है वह किस राज्य से संबंधित है, तो आप इस पर
क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राज्य के नाम आ जाएंगे, आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर नीचे आएंगे, फिर देखिए लिखा है नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फिर इस पर भी क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी के नाम आ जाएंगे, आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है, फिर देखिए नीचे लिखा है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर या इनरोल नंबर, तो आपको इसमें से जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या इनरोल नंबर तीनों में से एक यहाँ पे फिल करना। फिल करने के बाद नीचे लिखा है स्टेट टू विच कॉलेज बिलोंग्स, अर्थात आपने जिस कॉलेज से स्टडी किया है वह किस राज्य में है, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप सिटी और डिस्ट्रिक्ट इन विच कॉलेज बिलोंग्स, अर्थात आपने जिस कॉलेज से स्टडी किया था वह किस जिले में या शहर में स्थित है, आपको उसमें सेलेक्ट करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाएंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए नीचे लिखा है नेम ऑफ द कॉलेज, आपको अपना यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर देखिए लिखा है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, अर्थात इंजीनियरिंग की शाखा, अर्थात आपने जिस ब्रांच से स्टडी किया उस ब्रांच को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर देखिए लिखा है ईयर ऑफ पासिंग एज, अर्थात उत्तीर्ण का वर्ष, ये जो है ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा जो आपने फर्स्ट स्टेप में फेल किया था। फिर लिखा है मंथ ऑफ पासिंग, अर्थात उत्तीर्ण का माह, अर्थात जिस महीने में आपने उत्तीर्ण किया है उसको आपको सेलेक्ट करना है, या आपकी डिग्री पर लिखा होता है, तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज आर CGPA, अर्थात आपका जो नंबर है परसेंटेज में लिखते हैं या CGPA में, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। यदि परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज को चॉइस करेंगे। फिर नीचे आपको अपना परसेंट लिखना है। क्लास ऑप्टेन, अर्थात आपने क्लास में क्या प्राप्त किया था, फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स या फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास, तो आपको इसमें से चॉइस करना है। चॉइस करने के बाद फिर नीचे आएंगे, फिर देखिए नीचे लिखा अपलोड डॉक्यूमेंट क्वालिफाइंग डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अर्थात आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो क्वालिफाइंग डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों में से एक। लेकिन नीचे मेंशन भी कर रखा है फाइल आप टाइप PDF, अर्थात फाइल का प्रकार PDF में, एंड साइज जो है मैक्सिमम आप 1 MB कैन भी अपलोड, यानी 1 MB तक ही अपलोड किया जा सकता है। फिर देखिए लिखा है प्लीज़ अपलोड डिग्री आर डिप्लोमा सर्टिफिकेट आर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर मार्कशीट विथ फाइनल पास स्टेटस, अर्थात आपने उत्तीर्ण का डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आगे लिखा है डू नॉट डेट कोर्स कम्प्लीशन फाइनल ईयर मार्कशीट विदाउट फाइनल पास स्टेटस आर नॉट कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट एंड विल बी रिजेक्ट, अर्थात ध्यान दें कि अंतिम पास की स्थिति के बिना पाठ्यक्रम पूरा होने अथवा अंतिम वर्ष की अंक तालिकाओं को स्वीकार दस्तावेज नहीं माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट या क्वालिफाइंग डिग्री को अपलोड करना। अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है चॉइस ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज प्रीफर्ड फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अर्थात शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए पसंदीदा राज्य और शहरों की पसंद, तो यहाँ पे लिखा है चॉइस फर्स्ट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसमें से एक राज्य को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको अप्रेंटिस करना पसंद करते हैं, तो चलिए हम राज्य को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद नीचे लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अर्थात आपको उस राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट में अप्रेंटिस करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, तो चलिए इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए लिखा है चॉइस टू और चॉइस थ्री, इन दोनों में भी ऐसे राज्य में आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं और उस राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको भी फिल करना है, तो चलिए हम इसको भी फिल कर लेते हैं। फिल कर लिया, फिर इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे देखिए लिखा है चॉइस ऑफ प्रीफर्ड स्टेट टू वर्क आफ्टर ट्रेनिंग, अर्थात प्रशिक्षण के बाद काम करने के लिए पसंदीदा राज्य का चुनाव। प्लीज नोट डेट इट इज नॉट ऑब्लिगेटोरी ऑन द पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट BOATS बोर्ड्स आर BOPT, अर्थात कृपया ध्यान दें कि यह प्रतिष्ठान बोर्ड्स या BOPT की ओर से अनिवार्य नहीं है। इसमें लिखा आई आपका नाम, सन आपके पिताजी का नाम और वैलिड मोबाइल नंबर होगा। फिर नीचे लिखा है हियर बाई डिक्लियर डेट दी अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड करेक्ट टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई ऑल्सो डिक्लियर डेट आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड विल सिंसियरली एबिडी बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट मॉनिटर्ड बाय बोर्ड्स आर BOPT, अर्थात अतः घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ
और बोर्ड्स या BOPT द्वारा निगरानी किए गए प्रशिक्षु अधिनियम के नियमों और विनियमों का ईमानदारी से पालन करूंगा। फिर इसके बाद नीचे आना, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है। आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, कम्युनिटी, अर्थात जो भी ऑप्शन आपने पहले फिल कर रखा हो सब दिया। आप इसको एक बार जांच कर ले। जांच के लिए यहाँ प्रिंट वाला ऑप्शन दिया है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर ले। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट सही है तो इसको फिर सबमिट कर दें। देखिए सबमिट करने के बाद लिखा स्टूडेंट इनरोलमेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल, तो आप नीचे आएंगे फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट इनरोलमेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल। अब यहाँ पे नीचे आपका ईमेल और पासवर्ड दिया है जो फ्यूचर टाइम में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे आप क्या करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन दिया है, प्रिंट करके रख लेंगे इसका एक पेज। इसके बाद जो हम इसे क्लोज ऑन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा रजिस्ट्रेशन का वर्क कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।